गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं, अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं मैसेज बॉक्स से, अगर वहां पे आपको इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है तो आपको इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। यहां पे लिखा हुआ है ट्रबल सेंडिंग चेक ऑप्शन। अगर गाइस इस तरह का एरर आपके मैसेज बॉक्स में आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, आज मैं सिर्फ एक मिनट के अंदर आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस जब करना क्या है, चलिए मैं यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे फिर से मैसेज यहाँ पे कुछ लिख कर मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं सेंड पर क्लिक किया और मैं यहाँ देख से सेंड पर जैसे क्लिक किया अब यहाँ पे आ गया ट्रबल सेंडिंग चेक ऑप्शन। अब इसको कैसे ठीक करना है, अब वो करना क्या है, यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गाइस आपको यह देखना है कि आपका जो मैसेज एप्लीकेशन है वो अपडेट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे अपडेट मांग रहा है तो सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने फोन का यहाँ पे सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन वाले सेटिंग में चले जाना है। यहाँ मेरे फोन में ऐप्स का यहाँ पे सेटिंग है, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब गाइस यहाँ पे आपको मैसेज वाला एप्लीकेशन खोलना है। यहाँ पे ऊपर में शो कर रहा है मेरा मैसेज, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपको गाइस मैसेज एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है आपके फोन में जहाँ पर पूरा एप्लीकेशन रहता है सेटिंग में वहीं पे ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा इसे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो डाटा है आपको क्लियर कर देना है। गाइस जो आपका मैसेज में एप्लीकेशन में पूरा मैसेज है आपका मैसेज डिलीट नहीं होगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको यहाँ से इसको डिलीट करना। डिलीट करने के बाद आपको एक बार फिर से अपना जो मैसेज एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का ओपन होगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना, उसके बाद ये इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे कट कर देना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर आपको यहाँ पे दो चार सेकंड लोडिंग ले सकता है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से आपको जाना है मैसेज वाले में। अब यहाँ पे कुछ भी मैसेज आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैसेज आपको टाइप करके आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैं सेंड कर दिया हूँ, यहाँ सेंड नहीं हुआ, अब यहाँ मैं सेंड करता हूँ। अब गाइस देखते हैं ये जो मेरा मैसेज है यहाँ पे सेंड हो चुका है। अगर गाइस इस तरह करने के बाद आपका जो मैसेज है वो सेंड नहीं हो रहा तो आपको करना क्या है, गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस सिम से मैसेज कर रहे हो उसमें रिचार्ज होना चाहिए, मैसेज पैक होना चाहिए। अगर मैसेज पैक आपका खत्म हो जाएगा तो आपका जो एसएमएस है वो सेंड नहीं होगा। इसे आपको सबसे पहले यही चेक करना है।